अच्छे से मैंने फ़ोन किया कि लाइट क्यों काटी है, तो वो बता रहा कि 5 साल की वसूली बाकी है मेवाड़ा, तो जो बाढ़ पीड़ित में वो गांव है मेवाड़ा, तो 5 वर्ष में इस बाढ़ में उनको वसूली की याद आई किया, जो उनको अभी बाढ़ पीड़ित में स्थिति में ने उनका अनाज बचा, ने कोई गांव में सब तरह से चौपट हो चुके हैं। मुआवजा मुख्यमंत्री जी उसी गाँव में आए, मुआवजा की कह गए हैं, लाइट की कह गए हैं कि जब तक फसल नहीं आएगी तो बिल माफ़ किया जाएगा, तो मैं बिल के ऊपर लड़ूंगा। जब तक 4 महीने फसल नहीं आती है जब तक बिल माफ़ होना चाहिए। और बाढ़ पीड़ित गांवों में अभी जो वसूली कर रहे हैं, या राजीव गांधी गांव की जो लाइट है, शहरों की लाइट है, उसको काट रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं, वो मनमानी तरीका। फिर राहत का मतलब क्या है जब लाइट ही नहीं, तो राहत का मतलब, इस मुद्दे पर लड़ूँगा। एक हमारी दायनी के ललतपुरा तियारा से मेरी बाइक रैली आएगी, उसमें शामिल हमारे किसान नेता दिनेश गुजर आ रहे हैं, और हमारे श्योपुर में पूर्व प्रभारी रहे मंत्री रहे लाखन सिंह यादव, वो आ रहे हैं। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलबीर डंडोती आ रहे हैं। इस बाइक रैली से मैं 6 मजार पे जाके धरना देऊंगा और अनिश्चितकालीन देऊंगा। जब तक न्याय जनता को नहीं मिलेगा तो धरना के अलावा भी मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझे जेल में जाना पड़े, किसी हद तक जाना पड़े। पर ये जो बीजेपी के लोग आवेदन भी यही लोग दे रहे हैं, भ्रष्टाचार भी यही करा रहे हैं, सरकार भी इनकी है और ज्ञापन भी यही लोग देख रहे हैं, तो क्या हमारी क्षेत्र की जनता अन्न नहीं खाती है? क्या उनमें दिमाग नहीं है? ये लोग इन जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ऐसे शेरों को मैं नकाब करके मैं न्याय के लिए लड़ूँगा और चारों मुद्दा पर लड़ूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े।